नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इस ट्रिक को यूज़ करते हो और जब भी आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी अनजाने नंबर से फ़ोन आएगा, अननोन नंबर से फ़ोन आएगा, तो उसका फ़ोटो आपको दिखाई देने लग जाएगा। दोस्तों यूँ तो हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जब भी कोई कॉल करता है अनजाने नंबर से तो उसका नाम तो दिखाई देता है लेकिन उसका फ़ोटो नहीं दिखाई देता। लेकिन दोस्तों जिस ट्रिक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप इस ट्रिक को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अप्लाई कर लेते हो तो यहाँ पर दोस्तों नाम के साथ साथ आप उसका फ़ोटो भी देख पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं इस ट्रिक के बारे में कि कौन सी है ये ट्रिक और किस तरीके से इस ट्रिक को आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर यूज़ कर पाएंगे, तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बिना स्किप करे शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ये लाइक बटन होता है, उसको दबाकर इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे ये लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होता है, इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस बेल आइकन को, घंटी वाले बटन को जरूर से दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत होगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी है वो एप्लीकेशन। तो आप यहाँ पर मेरे मोबाइल फ़ोन पे देख पा रहे होंगे कि ये है वो एप्लीकेशन। तो पहले मैं इस एप्लीकेशन का आपको यूज़ बता देता हूँ, इसमें आपको क्या क्या सेटिंग करनी होती है ये बता देता हूँ। इसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कैसे और कहाँ से इस एप्लीकेशन को आप भी अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो जब आप इस एप्लीकेशन को पहली बार इस तरह से ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से लोडिंग लेगा और कुछ ही सेकेंड्स में आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है। तो गेट स्टार्टेड इस तरीके से मिल जाएगा, तो इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पर टच करते हैं तो देख सकते हैं ये बोल रहा है स्टार्ट फ्री ट्रायल। तो हमें दोस्तों यहां पर इस पर स्टार्ट फ्री ट्रायल नहीं करना है, इसको स्किप कर देना है इस तरीके से। जैसे ही आप यहां पर स्किप करेंगे तो इसके बाद यहां पर ये आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, तो आप जिस भी नंबर से यहां पर आपको रजिस्टर करना है तो रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहां पर मैं अपना एक मोबाइल नंबर डाल देता हूं। तो यहाँ पर ये मैंने अपना एक नंबर डाल दिया है। इसके बाद देख सकते हैं कनेक्ट लिखा है, तो आपको इस तरीके से कनेक्ट कर देना है और इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ ही सेकंड्स में आपका जो नंबर है उसको वेरीफाई कर लेगा। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा और यहाँ पर आपका फ़ोटो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं और आपका नाम भी यहाँ पर शो कर देगा। और यहाँ पर अगर आप इसको दिस इज़ मी करना चाहते हैं, यही नाम रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको दिस इज़ मी कर दीजिए। और फिर देखिए इस तरीके से ये बोल रहा है कि वर्क इन दी बैकग्राउंड, तो आपको पर इसको ऑन कर देना है। इसके बाद देख सकते हैं आइकन, इसको भी इस तरीके से ऑन कर देना है। ये देखिए पहली परमिशन को हमने अलाउड कर दिया है। इसके बाद डिस्प्ले पॉपअप अदर विंडोज इस तरीके से, तो इसको भी इस तरीके से कर देना है और यहां पर इसको इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है। देख सकते हैं दो परमिशन अलाउ हो गई और यहां पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप यहां पर नेक्स्ट करेंगे और इस तरीके से यहां पर अलाउ कर देना है और देख सकते हैं ये कॉन्टैक्ट के लिए बोल रहा है। तो सारी परमिशन को अलाउ कर देने के बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरीके से पेज दिखाई दे जाएगा। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं सभी के फोटो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अननोन नंबर से भी अगर आपको कोई भी व्यक्ति कॉल करेगा तो नाम के साथ साथ उसका आपको फोटो भी दिखाई देगा। और बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि आपको अगर किसी का नंबर व्हाट्सएप पर सेव नहीं करना है और आप चाहते हैं उसको डायरेक्ट मैसेज करना, तो यहाँ से आप इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही आसान तरीके से ये चीज़ कर पाएंगे। देख सकते हैं इस तरीके से कॉन्टैक्ट पर टच करेंगे, व्हाट्सएप पर टच करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर व्हाट्सएप पर चले जाएंगे, आपको उसका नंबर भी सेव करने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोटोज भी दिखाई देंगे। जो व्यक्ति आपको कॉल करेगा अननोन नंबर से करे, चाहे वो आपके मोबाइल फोन के अंदर सेव हो, सभी का आपको नाम के साथ साथ फोटो दिखाई देगा इस एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए अब मैं बता देता हूं किस तरीके से इस एप्लीकेशन को आप अपने फोन पे डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों फिलहाल आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे वीडियो का नाम लिखा होता है टाइटल, वीडियो के नाम पर टाइटल पर इस तरह से टच करना है, नीचे की तरफ में आ जाना है। यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा डाउनलोड ऐप, नीले कलर की एक लिंक दिखाई देगी। तो जैसे ही आप इस नीले कलर की लिंक पर टच करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन अभी मैंने आपको बताई इसको डायरेक्ट आप अपने फोन पे डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।